हेलो फ्रेंड्स, सबका वेलकम है मेरे इस चैनल में। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि एफएल स्टूडियो में हम किसी सॉन्ग को कैसे बजाते हैं पियानो में। ठीक है, एफएल स्टूडियो के पियानो में हम किसी सॉन्ग को किस तरह से बजाएंगे। तो आज जो हम सॉन्ग बजाने वाले हैं उसका नाम है एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस सॉन्ग को आज हम अपने पियानो में बजाएंगे, तो आप इसे एक बार सुन लीजिए ये किस तरह का बजता है, इसे सुन लीजिए। इस सॉन्ग को हमने इस तरह से बजाया, तो मैं आपको बताऊंगा ये सॉन्ग हमने कैसे बजाया है और किन किन नोट्स को हमने यूज किया है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको पियानो रोल, इसमें पियानो रोल को लाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको रिप्लेस में जाके, हारमोन में जाके हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ साइड क्लिक करके इस पे हमें इसमें पियानो पे क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, पियानो में क्लिक करने के बाद हमें इसमें पियानो पे राइट क्लिक कर लेफ्ट क्लिक करके हमें पियानो रोल सेलेक्ट करना है। ठीक है फ्रेंड, तो ये जिस तरह से हमने इसमें बजा रखा है आपको दिख रहा है, इसमें ये हमारे कोड्स हैं, इन कोड्स के थ्रू हमने बजाया है। तो इनको पहले हम डिलीट करेंगे कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट करके, डिलीट करके। अब मैं आपको बताऊंगा इस सॉन्ग को किस तरह से हमने बजाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें इसमें सेलेक्ट करना है जो है हमारा D#5। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें D#5 पे क्लिक करना है, फिर हमें क्लिक करना है C#5 पे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमें F#4 पे क्लिक करना है, फिर हमें F#4 पे क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमें G#4 पे क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमें A#4 पे क्लिक करना है, फिर हम C#5 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर हम क्लिक करेंगे C#5 पे डबल। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम D#5, फिर हम C#5, फिर D#5, फिर C#5, फिर F4। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम A4 पे क्लिक करेंगे, फिर G4 पे, फिर G4, तीन बार G4 पे क्लिक करेंगे, फिर इसको सुनेंगे। भी आप कोड लगा के थोड़ा 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 इसको सुन लीजिए कि हमारा गाना बज भी रहा है या नहीं बज रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम पूरे को कंट्रोल के साथ इसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सेलेक्ट करके हम इसे शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस इसको कीबोर्ड का माउस पे राइट क्लिक करके इसे ड्रैग करके खींच देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे हमारी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको डुप्लीकेट कॉपी करने आती है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, उसको मैं काफी अच्छा काम बता दिया है। शिफ्ट और ऑल्ट को एक साथ दबा के माउस पर राइट क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए, आपकी डबल कॉपी बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिस तरह से ये सॉन्ग बजेगा, तो हम आगे भी इसमें बताते हैं आपको, आगे बताता हूँ मैं इसमें आगे क्या करना है। हमें आगे के लिए हमें सर इसमें C5 पे क्लिक करना है, फिर C5 पे क्लिक करना है, फिर D5 पे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर F4 पे, F4 पे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम G4 पे क्लिक करेंगे, फिर हम A4 पे क्लिक करेंगे, फिर हम G4 पे क्लिक करेंगे, फिर हम इससे G4 पे क्लिक करेंगे, फिर G4 पे क्लिक करेंगे, फिर F4 पे क्लिक करेंगे, फिर G4 पे क्लिक करेंगे, फिर हम A#4 पे क्लिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जिस तरह से स्क्रीन पे दिख रहा है फ्रेंड्स, आप इन्हीं नोट्स को अप्लाई करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जिस तरह में मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कोर्स जो हमारे हैं, इन्हीं पे आप अप्लाई करते रहिए, आपका सॉन्ग बजेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना इतना करने के बाद आप इसे सुन लीजिए जैसे कि हमने बताया है। इसमें इतना करने के बाद इसको फिर से हम कॉपी कर लेंगे, तो आधे को कंट्रोल के साथ, आधे जो हमने बाद की ट्यूनिंग बनाई है उसको हम कॉपी करके वही कॉपी और पेस्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, शिफ्ट और ऑल्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो ये हमारी कॉपी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको कॉपी कर लेंगे तो ये हमारा इस तरह का कुछ गाना बजेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे सुन लीजिए फ्रेंड्स एक बार, इसी तरह से आपको दबाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, थोड़े से कोड्स होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो सर फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।
मैं ऐसे ही वीडियो इस एफएल स्टूडियो से रिलेटेड वीडियो आप सबके लिए लाता रहूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसी से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।